गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेरी वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स वी हैव लेफ्ट द पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, देयर प्रिपरेशन एंड देयर वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नाउ रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। F-block elements, as you know, the elements in which last electron of their electronic configuration enters into f orbital, that are called as F-block elements. ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे F-block elements जो है उनको F-block elements, जिनमें क्या होता है last electron of their electronic configuration, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल, उनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेडिक्टेबल इन बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में से इनको बाहर निकल के अलग से जो है दो रो बनाई गई हैं, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए इनको ट्रांजिशन सीरीज के बीच में से निकाला गया, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F block elements is, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-2 F1-14 N-1 D 0-1 and NS2 where N=6-7। तो यहां पर आप देख सकते हैं N-2, देखो N जो है आउटरमोस्ट सेल है, N-1 सेल है इनर सेल, सेकंड लास्ट सेल जिसको हम पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं, और N-2 इसको क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये क्या होगा हमारे पास, आउटरमोस्ट सेल हो गया, और दिस इज पेनल्टीमेट सेल जिसको हम बोलते हैं सेकंड इनर मोस्ट सेल। उसके बाद ये क्या होगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल जो है इनर टू सेकंड लास्ट से भी अंदर, यानी कि बाहर से तीसरा जो सेल है उसको हम एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल में प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको दो सीरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज लेंथेनॉइड सीरीज और इनको हम लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। दूसरी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज या फिर एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो जैसे डी ब्लॉक को चार सीरीज में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ, यहां पर इस सीरीज को बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, इसको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन जो सीरीज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेंथेनम। वैसे तो
लेंथ नोट्स 58 टू 71 एटॉमिक नंबर होता है, बट लेंथनम से हम लिखते हैं, लेंथनम जो 57 से लेकर के ल्यूटीटियम जो 71 है वहां तक हम लेंथ नोट्स को लेते हैं। ऑल्दो दिस लेंथनम जो है इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, लेंथनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज इन्वॉल्व इन लेंथ नोट सीरीज ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी और सिमिलर प्रॉपर्टीज विद लेंथ नोट्स। जो लेंथनम है वैसे तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लेंथेनोइड्स के जैसी है, उनसे सिमिलर है, उनके उनसे जो है मेल खाती है, इसीलिए उसको लेंथेनोइड सीरीज में लिखा गया है। सिमिलरली यहाँ पर जो एक्टिनोइड है वो भी उसको एक्टिनोइड सीरीज में रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए लेंथेनम जो है 57 से 71 यूटीटियम जो है वहां तक जो एलिमेंट्स है ये आपके फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर एक्टिनियम जो है एसी 89 से लेकर के और 103 जो है लोरेंसियम, ठीक है, लोरेंसियम बोलते हैं, LW लोरेंसियम है, एसी एक्टिनियम है और यहाँ पर लेंथेनम और यूटीटियम है। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस वन बाय वन, फर्स्टली वी विल डिस्कस लेंथेनोइड सीरीज, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनोइड्स। तो ध्यान से समझेंगे किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो लेंथेनम सीरियम प्रेस्यूडाइमियम नियोडाइमियम प्रोमीथियम समेरियम यूरोपियम गैडोलिनियम टर्बियम डिस्प्रोसियम होलमियम आरबियम थुलियम यूट्रबियम एंड ल्यूटीटियम। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जीनोन, जीनोन के बाद 4F0, 4F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर 4F0 और 5D1 और 6S2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो डी ऑर्बिटल में है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, आप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसको लेंथेनोइड्स में रखा गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है बाकी एलिमेंट्स के जैसी है। नेक्स्ट में यहां से देखेंगे थोड़ा चेंज आएगा, बाकी उसके बाद किस तरीके से आपको याद रखना है, जीनोन अब एक इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो डी में इलेक्ट्रॉन था इसको भी रिमूव करके एफ में डाल दिया है, ये हो जाएगा आपका 4F2 5D0 एंड 6S2। उसके बाद जीनोन 4F3 5D0 6S2 1 इंक्रीज करते जाएंगे, जीनोन 4F4 5D0 6S2 उसके बाद जीनोन 4F5 5D0 6S2 कहां कहां पर जो ध्यान देना है मैं वहां पर जो है अंडरलाइन कर रहा हूं, उसके बाद जो सिमिलर ऑर्डर उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं याद करने में। यहां पर क्या होगा जीनोन और 4F6 5D0 6S2, नेक्स्ट है जीनोम 4F7 5D0 6S2, उसके बाद है गैडोलिनियम 4F7 5D1 अगेन यहाँ पर बना रहता है 6S2, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद है टर्बियम, यहाँ पे क्या होगा जीनोम 4F7 के बाद 4F8 नहीं आता, डायरेक्ट क्या होगा 4F9 और 5D में दोबारा से 0 6S2, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हो सेम ऑर्डर रहेगा जीनोम 4F10 5D0 6S2, अगले देखेंगे जीनोम 4F11 5D0 6S2, उसके बाद आरबीएम में क्या होगा जीनोम 4F11 आ चुके हैं 4F12 5D0 6S2, उसके बाद जीनोम 4F13 5D0 6S2, नेक्स्ट है जीनोम 4F14 5D0 6S2, उसके बाद लास्ट है जीनोम 4F14 5D1 6S2, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे बाकी सभी में सेम पैटर्न है, तो यहाँ पर जीनोम में स्टार्ट लेंथेनम में स्टार्टिंग में आपके एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ से डी का इलेक्ट्रॉन भी किस में जा रहा है एफ में जा रहा है और वन मोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो 4F2 5D0, उसके बाद 4F7 तक एटीट्यूड है
और अब सेवन के बाद जो गैडोलिनियम आएगा उसमें भी डी में दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर एफ जैसे यहाँ से डी का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में मर्ज हो गया था, डी का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में मर्ज हो जाएगा सेवन और एक एट, एक यहाँ से आकर नाइन, तो फोर एफ नाइन, उसके बाद एज इट इज। आगे समझ में, अब हम बात करेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोस्टली मोस्टली लेंथेनॉइड्स सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और यहाँ पर देखिए सेरियम जो है सेरियम के अंदर 4F2 5D06S2 है, यहाँ पर F में टू जो इलेक्ट्रॉन है F1 F2 है इसमें, एक तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका समेरियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होती है, यूरोपियम और गैडोलिनियम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टर्बियम में जो 4+ जब हो जाता है तब 7 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट के दोनों आपके ये देखो इन दोनों में भी क्या है, ये दोनों में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही 4F14 कम्प्लीटली फिल्ड रह जाएगी, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही 4F14 कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है। आगे समझ में, तो जो लैंथेनॉइड्स है मोस्ट कॉमन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सम एलिमेंट्स शो +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एलिमेंट है जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कौन से, इन विच there is possibility of F0, F7 and F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +3 के अलावा +2 और +4 भी शो करते हैं, और वो कौन से होंगे, जिनमें +2 या +4 बनने पर या तो F0 बनता हो कम्प्लीटली जो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन बनती हो या कम्प्लीटली फिल कॉन्फ़िगरेशन बनती हो, तो वो एलिमेंट +3 के अलावा +2 और +4 भी करते हैं। दो एलिमेंट है जैसे लैंथेनम 3+ है और ल्यूटेरियम 3+ है, ये दोनों सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इनके अलावा बाकी जो है वो वेरिएबल करते हैं, इनके अलावा +3 के अलावा भी शो करते हैं। अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये जो एलिमेंट्स है सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप लिख रहा हूँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो 2 और 1 3 तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पर F0, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2 और 1 3 F1, उसके बाद F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10, उसके बाद यहां से F11 F12 एंड F13, लास्ट में F14। तो आप देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल एलिमेंट्स शो रेगुलर ऑर्डर, दैट इज F0 टू लेकर के F14 तक की शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम बात अभी जो हमने किया है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो +2 +4 भी शो करते हैं, और कब शो करेंगे, जब या तो F0 कॉन्फ़िगरेशन बनती हो उनमें, या F7 बनती हो या F14 बनती हो, देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से देखना, सेरियम की बात करते हैं, सबसे पहले सेरियम है, सेरियम में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए तो सेरियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसमें क्या बन जाता है F0। ठीक है, उसके बाद समेरियम जो है समेरियम में आप देखो Sm2+ अगर करें तो F6 कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो F7 बन जाएगा। तो समेरियम का केस हम थोड़ा इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम यूरोपियम का केस शो करते हैं, यूरोपियम 4F7 6S2 है, अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा स्टेबल हाफ फील्ड, तो EU2+ शो करता है 4F7 कॉन्फ़िगरेशन के साथ, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ। गैडोलिनियम में भी क्या होगा,
GD3+ है, GD3+ में किसमें हो जाता है, 4F7 में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टर्बियम है, टर्बियम 4+ है, Tb4+, Tb4+ में स्टेबल हाफ फिड 4F7 बन जाती है, Tb4+ में 2 और 2 यहां से 4F7 में जाएगी। उसके बाद यट्रियम Yb2+ है, इट गिव 4F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्लियर है, अगर समझ में। अब बात करते हैं समेरियम की, अगर समेरियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा Sm2+, कॉन्फिगरेशन में आ जाएगी 4F6। अगर ये तो स्टेबल हाफ फिल कॉन्फिगरेशन नहीं है, अगर Sm2+ से इसको Sm3+ में कन्वर्ट कर दें, सॉरी Sm2+ से Sm2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यानी कि Sm+ बन जाए, ये 4F7 में जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Sm2+ acts as strong, ये क्या करेगा, strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हाफ फील्ड +7 में चला जाता है, 4F7 में चला जाता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि जो लैंथेनोइड्स हैं, अब इनकी हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर वेरी क्लियर हो गया सभी को, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आएगा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, देखो लैंथेनोइड्स में जब हम लैंथेनोइड सीरीज में फर्स्ट में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, देन व्हाट वी विल सी, वी विल सी देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, द रेगुलर डिक्रीज इन, रेगुलर डिक्रीज को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रेगुलर डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या ऑफ लैंथेनोइड्स भी ले सकते हैं, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड एज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो लैंथेनोइड एलिमेंट्स हैं, जब हम लेफ्ट विद एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करते जाएंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में रेगुलर डिक्रीज होगा, तो दिस रेगुलर डिक्रीज, स्मॉल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या होता है इसका, देखो लैंथेनोइड जो सीरीज है इसके अंदर 14 हमारे पास एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट से लैंथेनम से ल्यूटीटियम तक जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे देयर इज वेरी स्मॉल डिक्रीज, 14 एलिमेंट्स हैं तो लगभग जो है एक एलिमेंट के ऊपर 1 picometer से डिफरेंस आएगा, तो लेफ्ट से राइट तक जाने जाने में तो 17 picometer का डिफरेंस आता है, यहाँ पर कितने picometer का डिफरेंस आता है, 17 picometer का, इट मींस हर एक एलिमेंट के ऊपर लगभग एक एटॉमिक नंबर से, जो जैसे जैसे 1 atomic number इंक्रीज हो रहा है और जो एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई है वो भी लगभग 1 picometer से चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो कॉज क्या है, कॉज ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका कारण क्या है, और तीसरा आता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है, द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनोइड्स इज ड्यू टू
इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एज ए रिजल्ट डिक्रीज इन रेडियाई इज वेरी स्मॉल डिक्रीज इन रेडियाई इज वेरी स्मॉल ठीक है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ठीक है वैसे लिख सकते हैं तो दिस डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो वेरी स्मॉल है क्या कारण है देखो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं जनरली क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन्स साइज ऑफ द एटम कॉन्ट्रैक्ट होता है बट साथ में वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन भी होता है इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन शील्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं बट एफ ऑर्बिटल जो है इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है वो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते तो उस केस में क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट लेंथ नोड्स में दैट इज अनेबल टू शील्ड द इलेक्ट्रॉन दैट इज अनेबल टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स में सिमिलर दो एटॉमिक रेडियाई होती है एक से दूसरे पर जाएंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है आगे समझ में अब इसका कारण क्या होता है ये हमने पढ़ लिया अब इसका कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे कि लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या इफेक्ट होता है ठीक है आगे समझ में अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ या कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन consequences of lanthanoid contraction ठीक है फर्स्ट है डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ lanthanoid elements डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इसमें क्या है ड्यू टू सिमिलर आयनिक रेडियाई और ड्यू टू वेरी स्मॉल डिफरेंसेस इन आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स their chemical properties are similar and it is difficult to separate lanthanoids in pure state pure state में lanthanoid को separate कर पाना मुश्किल होता है second जो है similar atomic radii of second and third transition series elements similar atomic radii of second and third transition series elements of same group elements of second and third transition series second and
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑफ सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई आफ्टर लेंथेनम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा देखो ध्यान से, जो स्कैंडियम है ठीक है, यट्रियम है और उसके बाद है लेंथेनम है, उसके बाद है टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हाफनियम है, उसके बाद वेनेडियम है, नियोबियम है और टेंटेलियम है। तो ध्यान से देखना आफ्टर लेंथेनम, ये लेंथेनम के यहाँ पे क्या जगह बीच में लेंथेनॉइड्स आ गए, इनके बीच में लेंथेनॉइड्स, तो लेंथेनॉइड्स आ गए बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद जिरकोनियम में 160 पिकोमीटर साइज है और हाफने में 159, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। नियोबियम 146 पिकोमीटर और टेंटेलम में भी कितना होता है 146 पिकोमीटर। तो लेंथेनम के बाद, लेंथेनॉइड के बाद जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है उनका साइज सिमिलर होता है सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथेनॉइड्स। थर्ड है डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथेनॉइड्स। कैसे होगा लेंथेनॉइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीज होना, एज वी नो फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीटियम एटॉमिक रेडियाई क्या होगी डिक्रीजिज एज वेल एज क्या होगा आयनिक रेडियाई ऑल्सो डिक्रीजिज, आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा लेंथेनम 3+2 ल्यूटीटियम 3+ क्या होगा आयनिक रेडियाई डिक्रीजिज इसकी वजह से ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ कैटायन का एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होता है उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होती है ज्यादा होती है, तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर एंड हेंस ग्रेटर इज कोवेलेंट करेक्टर एंड लेस इज आयनिक करेक्टर। एज ए रिजल्ट क्या होगा एज ए रिजल्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिज, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अगर वैसे लिखें लेंथेनम LAOH होल थ्राइस, लेंथेनम के बाद सेरियम CEOH होल थ्राइस, उसके बाद प्रेसिडाइमियम PROH होल थ्राइस एंड सो ऑन, लास्ट में LUOH होल थ्राइस लिखें, तो यहां से यहां तक क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इससे डिक्रीज होती है, क्लियर है। तो दीज आर द थ्री कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कलर फॉर्मेशन, हम शो करेंगे कलर फॉर्मेशन शो करेंगे, ठीक है।
कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन में जो एक्सेप्ट Na3+ एक्सेप्ट एंड Lu3+ ऑल लेंथेनॉइड्स आर कलर दे प्रोड्यूस कलर इसकी वजह से ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन एफएफ ट्रांजिशन जो होती है उसकी वजह से वो कलर शो करते हैं। और ये क्या होते हैं Na3+ एंड Lu3+ आर, ये कैसे होते हैं कलरलेस ड्यू टू नो इलेक्ट्रॉन इन F0 एंड कंप्लीटली फिल्ड F14 configuration respectively, यानी कि Na3+ में तो तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, F0 रह जाएगा और Lu3+ में F14 रह जाता है, तो जिसकी वजह से FF ट्रांजिशन नहीं हो पाती और ये कलर फॉर्मेशन शो नहीं करती। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि कलर ऑफ आयंस हैविंग Fx इलेक्ट्रॉन्स एंड F14-X इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर। इसका मीनिंग क्या है कि वो कंपाउंड जिनमें F में X इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे में F में 14-X हो उनका सेम कलर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि Na3+ और Lu3+ दोनों कैसे कलरलेस है, कैसे तो देखो यहाँ पे Na3+ में क्या हो जाएगा F0, यहाँ पे क्या हो जाएगा F14, तो F0 तो ऐसे ही रहेगा, F14 भी क्या लिखते हैं F14-0 यानी कि F14, तो दोनों का कैसा होगा, दोनों कैसे हैं कलरलेस है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है अदर केस भी ले सकते हैं जिसमें अदर एग्जांपल इज समेरियम एंड डिस्प्रोसियम। समेरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं 4F6 5D0 6S2 और डिस्प्रोसियम होते हैं 4F10 5D0 6S2। अब हम Sn3+ लें, Sn3+ में क्या हो जाएगा 4F5 रह जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, एक यहां से रिमूव होगा, तो